आज पीछे से ऐसे चालू हो जाएगा रस्सी मारने से। नहीं सर, इसी के साथ रहने दीजिए। शहर के धर्मगंज चौक से सदर पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज, मैं हूं शहजादी प्रवीण। किशनगंज शनिवार को सदर थाना अध्यक्ष अमर प्रसाद सिंह के नेतृत्व में धर्मगंज चौक से भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उक्त कार्रवाई में रफीक आलम पिता गुलबार झुलझुली वार्ड संख्या 33 निवासी को गिरफ्तार किया है। टेम्पो चालक ने एक बाइक सवार को ठोकर मार फरार होने की कोशिश करने लगा। सदर पुलिस ने टेम्पो चालक को खदेड़ कर पकड़ा। टेम्पो में भारी मात्रा में शराब पाया गया। टेम्पो के पीछे वाले सीट के नीचे से विभिन्न कंपनी के 5 कार्टून शराब लदा हुआ मिला, जिसमें 750 ml के 3 बोतल, 375 ml के 10 बोतल, 80 पीस टेट्रा पैक एवं कैन बियर जब्त किया गया। सदर थाना अध्यक्ष अमर प्रसाद सिंह ने शनिवार को सदर थाना में प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि किशनगंज में शराब की डिलीवरी की जानी है। सूचना मिलते ही योजना बनाकर टीम में शामिल एएसआई संजय कुमार यादव पुलिस बल के साथ एक छोर पर चले गए एवं थानाध्यक्ष धर्मगंज के पास एक छोर पर पहुंच गए। थोड़ी देर बाद शराब से लदी एक टेम्पो धर्मगंज चौक के पास से बाइक को टक्कर मारकर भागने लगी। पुलिस को इसकी भनक लगी कि जिस ऑटो का गुप्त सूचना था वही ऑटो ठोकर मारकर फरार हुआ है। उसके बाद इतने में सदर थानाध्यक्ष अमर प्रसाद सिंह और एएसआई संजय कुमार यादव ने टेम्पो का पीछा कर तस्कर को दबोच लिया। शराब बंगाल के पांजीपारा की ओर से लाई जा रही थी। इस ग्रोह में और कितने लोग शामिल है पुलिस इसकी जांच कर रही है। सदर थानाध्यक्ष अमर प्रसाद सिंह ने कहा कि उक्त कार्रवाई ऑपरेशन रेड के तहत मेरे नेतृत्व में एएसआई संजय कुमार यादव के द्वारा की गई है। कार्रवाई को लेकर वरीय पदाधिकारी को एएसआई संजय कुमार यादव को पुरस्कृत करने हेतु अनुशंसा की जाएगी। गुप्त सूचना मिली और फिर पुलिस टीम अपने तैयार किया सर। हाँ, गुप्त सूचना मिली थी कि धर्मगंज रेलवे गुमटी के पास कुछ शराब के तस्कर बड़ी खेत में शराब को किशनगंज के किसी मोहल्ले में सप्लाई करने हेतु उनके द्वारा लाया जा रहा है, जिसकी सूचना पर हम लोग के द्वारा हमारे टीम में संजय यादव एवं अन्य पदाधिकारी एवं फोर्स के साथ क्विक हम लोग के द्वारा कार्रवाई की गई और एट ए टाइम जाकर उन्हें सर्च किया गया, जिसके क्रम में ऑटो में व्यापक पैमाने पर 4-5 कार्टून दारू हम लोग के द्वारा बरामद की गई। आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे हम लोग इनका जो भी प्रोसीजर है उसके तहत हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे और इसी क्रम में एक शराबी भी पकड़ा गया है जो कि उस ऑटो से माल को ले जा रहे हैं।